गुड़गांव में आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आपने जो भी लिया उसका थोड़ा बहुत बड़ा तो आप उससे एग्री हैं, लेकिन कई प्रॉपर्टी गुड़गांव में ऐसी है अगर आप उसमें पैसा डालेंगे तो इजीली आप उसको 2 टाइम या 3 टाइम अप्रिशिएशन वैल्यू आप उसकी क्रिएट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके खुद के YouTube चैनल एंड कंसल्टेंसी कंपनी मिरेकल रियल्टर्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट लेके आया हूं जो कि करीब 3 साल पहले आया था और मार्केट में उस प्रोजेक्ट ने काफी धूम मचाई थी, काफी चर्चा में था, काफी जल्दी वो प्रोजेक्ट बिक गया था। अगर मैं आपको बताऊं, वो प्रोजेक्ट आज से 3 साल पहले करीब करीब 60 से 65 लाख रुपए से शुरू होकर चीजें उसमें बिकनी शुरू हुई थी और आज की डेट में वो प्रोजेक्ट आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए तक में वहां पे चीजें आपको मिलेंगी रीसेल में। तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन उस प्रोजेक्ट ने अपने खरीदार को, अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो उस प्रोजेक्ट की मैं आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 89 में आए हुए प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स की और M3M की। तो उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं आपको दूंगा। ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे काम चल रहा है, कभी भी बिल्डर उसकी पोजीशन दे सकता है। इस साल के एंड तक बिल्डर बोल रहा है कि उसकी पोजीशन दे दे। तो काफी अच्छे से उसमें काम बिल्डर ने कर रखा है। इसकी पूरी वीडियो मैं अंदर की वीडियो जल्द ही दूंगा आपको, क्योंकि अभी साइट पे काम चल रहा है तो मैंने अभी शूट की। तो अंदर एंट्री के लिए जो रास्ता है उसमें पानी भरा है क्योंकि बारिश का टाइम है। तो काफी फिनिशिंग इसमें हो चुकी है, प्रोजेक्ट ये बन चुका है। 60 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आया था, बिल्डर ने इस पे अच्छे से काम किया है। 60 एकड़ में 30 एकड़ में आप स्मार्ट वर्ल्ड और 30 एकड़ में M3M। तो लग्जरी फ्लोर्स आए थे जो कि दीनदयाल योजना में आए थे। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 69 में। तो उस प्रोजेक्ट की वीडियो कल या परसों में मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा, चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपका खुद का ये चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हैं या फिर आप वीडियोस देखते हैं बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को जिनको गुड़गांव में प्रॉपर्टी की नीड है या कोई जानकारी जानना चाहते हैं, गुड़गांव के रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अपडेट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, काफी अच्छे से इसमें काम चल रहा है। अभी जल्दी मैं 69 वाले की भी वीडियो आपके बीच में लाने वाला हूँ, उसकी फुल अपडेट और कनेक्टिविटी, साइजेस क्या रहेंगे उसके और सारी चीजें उसमें, क्या कुछ ईओआई के फॉर्म में, क्या कुछ ईओआई का चेक उसमें जा रहा है, तो सारी मैं उसमें अपडेट दूंगा आपको। हालांकि जब स्मार्ट वर्ल्ड आया था तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट वर्ल्ड M3M की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। जब प्रोजेक्ट मार्केट में आया था, जब बिल्डर नया नया मार्केट में आया था, तो बायर्स की सोच थी, बायर्स के डाउट्स थे कि ये बिल्डर कहीं डिलीवर करेगा या नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा या नहीं करेगा, क्वालिटी कैसी होगी। तो सारी चीजें बिल्डर ने अभी खत्म कर दी है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो उस पर रोक लगाई है। अभी डिलीवरी तो खैर किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सभी में अच्छे से चल रही है। टाइमली पोजीशन बिल्डर देगा, इस बात का बिल्डर वादा सबको कर रहा है अभी भी, और जो वादा किया है उसको भी पूरा करेगा। तो जल्द ही 69 की वीडियो आपके बीच में आएगी, 69 स्मार्ट वर्ल्ड अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही चैनल पे वीडियोस में डालता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे, शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियोस किन के लिए बनाऊंगा। तो आपके प्यार के लिए धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स।